स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू। ये एक पोएम की लाइन है और ये कहाँ से ली गई है? तो ये जो है इन मेमोरियम से ली गई है और इन मेमोरियम में जो है एक पोएम इंक्लूड की गई है जिसका नाम है रिंग आउट विल्ड बेल्स। तो ये जो है लाइन है रिंग आउट विल्ड बेल से ली गई है जो कि इन मेमोरियम में इंक्लूड है। अगर आपका ऑप्शन रिंग आउट विल्ड बेल्स आता है तो आप रिंग आउट विल्ड बेल्स कीजिए, अगर इन मेमोरियम आता है तो आप इन मेमोरियम कीजिए। और ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है और आर्थर हेनरी हेलम की याद में ये पोएम लिखी गई है। नेक्स्ट है, टेनिसन फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट। टेनिसन के मित्र जो है आर्थर हेनरी हेलम की जो है डेथ कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी वियना में। नेक्स्ट है, थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नोवेल वोज। थॉमस हार्डी का जो है लास्ट मेजर नोवेल कौन सा था? तो ये था जूड द ऑब्सक्योर दैट वॉज रिटन इन 1896। नेक्स्ट है, वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय। वेसेक्स जो है एक फिक्शनल टाउन है जो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ये थॉमस हार्डी के द्वारा किया गया है और थॉमस हार्डी को एक रीजनल नोवेलिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, टी एस इलियट्स द वेस्ट लैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। टी एस इलियट का जो द वेस्ट लैंड नाम की जो पोएम है ये किसमें पहली बार पब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी द क्राइटेरियन में 1922 में। और ये किसको डेडिकेट की गई थी? तो ये डेडिकेट की गई थी पोएम एज्रा पोंड को। नेक्स्ट है, इल मिजिलर फैब्रियो इज द एक्सप्रेशन ऑन इलियट यूज्ड फॉर। ये इल मिजिलर फैब्रो जो है ये एक्सप्रेशन है और ये इलियट ने यूज किया था। ये किसके लिए किया था? ये एज्रा पोंड के लिए किया था क्योंकि उसके जो है वेस्टलैंड के एडिटर के रूप में उसके रोल के लिए इन्होंने जो है इल मिजिलर फैब्रो का एक्सप्रेशन का यूज किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वॉज रिटन बाय। ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स की किसके द्वारा लिखी गई है? ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ पोएटस कमला दास। कमला दास का जो है असली नाम क्या है? तो कमला दास का असली नाम माधवी कुटी है और इनकी जो मदर टंग है वो मलयालम है। कभी कभी मदर टंग भी पूछ लिया जाता है तो इनकी मदर टंग मलयालम है। हु रोट द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस के जो है राइटर वो कौन है? वो मुल्क राज आनंद है। नेक्स्ट है, इन द नोवल अनटचेबल बखा सिस्टर इज। मुल्क राज आनंद का नोवेल है ये अनटचेबल और ये पब्लिश हुआ था 1935 को और इसमें बखा है तो बखा की जो बहन है उसका क्या नाम है? उसका नाम सोहिनी है तो इसमें सोहिनी आ जाएगा। नेक्स्ट है, Who wrote the essay Naipaul's India and Mine? Naipaul's India and Mine जो है ये एक essay है और ये किसने लिखा है? तो ये निसीम एजिकिल ने लिखा है और इसको लिखा है 1965 में। और किस लिए लिखा है इन्होंने? इन्होंने क्रिटिसाइज किया है Naipaul's views of India in an area of darkness that was written in 1964। नायपाल जी ने जो है एक भारत के व्यू के ऊपर लिखा था कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964 में, तो उसके लिए इन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है उस पर, फिर इन्होंने ये लिखा है नायपाल्स इंडिया एंड माइन। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हेयर एंड बिलोंग। हु रोट दिस, ये किसने लिखी है? इसमें लाइन जो दी गई है किसने लिखी है?
तो ये जो है नसीम एज़गियल ने ही लिखी है। नेक्स्ट है, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की स्पेलिंग क्या है, जो सही स्पेलिंग है वो क्या है, वो है एग्रीमेंट, ए जी आर डबल ई एम ई एन टी, एग्रीमेंट, ये सही स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट है, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस वोज। सैमसन ऑगनिस्टिस के जो है ऑथर कौन है, तो सैमसन ऑगनिस्टिस के ऑथर जो है जॉन मिल्टन है, और ये एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, और ये जो है ये पैराडाइज रीगेंड के साथ इसका पब्लिकेशन हुआ था 1671 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। विजडम का सिनोनिम क्या है, तो विजडम का सिनोनिम है सेगासिटी। जो विजडम का बुद्धिमता होता है वही सेगासिटी का भी मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज। जेनिथ का जो है एंटोनिम क्या है, जेनिथ का जो एंटोनिम होगा वो नादिर होगा। जेनिथ का अर्थ है चोटी और नादिर का अर्थ है सबसे नीचे का स्थान। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज द फर्स्ट प्ले ऑफ टी एस इलियट। टी एस इलियट का जो है फर्स्ट प्ले कौन सा है, तो इनका जो फर्स्ट प्ले है वो मर्डर इन द कैथेड्रल है, 1935 में आया था जो मर्डर इन द कैथेड्रल, ये टी एस इलियट का जो है फर्स्ट प्ले है। नेक्स्ट है, द वर्ड बाइजेंटियम इज द नेम ऑफ अ। ये जो बाइजेंटियम वर्ड है ये क्या है, ये किसका नाम है, ये एक सिटी का नेम है। नेक्स्ट है, विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वे सडन डेथ। हेमिंग्वे की डेथ, अचानक डेथ के कारण कौन सा वर्क जो है इनकम्प्लीट था, तो ये था द गार्डन ऑफ एडन, और इन्होंने जो है सुइसाइड किया था, इन्होंने अपने आप को जो है गोली मार ली थी। नेक्स्ट है, हु इज द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी में ओल्ड मैन कौन है, ये जो है सैंटियागो है और ये हेमिंग्वे का ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माइसेल। जो विटमैन के सॉन्ग ऑफ माइसेल में है वो उसका मेजर सिंबल क्या है, कौन सा है, तो वो है ग्रास। ग्रास जो है मेजर सिंबल है। नेक्स्ट है, आई सेलिब्रेट माइसेल एंड सिंग माइसेल इज अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन। ये लाइन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये किस में से ली गई है, ये ली गई है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में, और जिसका मेजर सिंबल क्या है, ग्रास है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार मिला, तो ये मिला था इन्हें चार बार। फर्स्ट टाइम मिला था इन्हें 1924 में, किसके लिए मिला था, न्यू हैम्पशायर के लिए। सेकेंड टाइम इनको मिला 1931 में फॉर कलेक्टेड पोएम्स के लिए, 1937 में अ फर्दर रेन्स के लिए, 1943 में इनको अ विटनेस ट्री के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। ये द डायनेस्टिस है, ये थॉमस हार्डी का क्या है, ये एक वर्ष ड्रामा है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द लाइन देर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो ऑकर्स इन। ये एक लाइन दी गई है और आपको ये बताना है कि ये लाइन किस में से ली गई है, तो ये लाइन जो है हैमलेट में से ली गई है, हैमलेट के एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में से ये लाइन ली गई है। और हैमलेट के राइटर कौन है, हैमलेट के राइटर जो है शेक्सपियर हैं। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज। रिक्लूज के राइटर कौन है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, रिक्लूज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब कुछ इडियम्स हैं जो कि आपकी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है,
अ बोन ऑफ कंटेंशन, इट मीन्स कॉज ऑफ डिस्प्यूट। बोन ऑफ कंटेंशन का जो मीनिंग है वो कॉज ऑफ डिस्प्यूट है, यानी कि झगड़े की जड़। नेक्स्ट है एट सिक्स एंड सेवंथ, यानी कि स्कैटर्ड, जो कि बिखरा हुआ है, तितर बितर है। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट क्या होता है, यह अ ट्रबलसम थिंग, यानी कि परेशान करने वाली वस्तु। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, यानी कि हैविंग फुल पावर, हैविंग फुल पावर का अर्थ है सर्वे सर्वा। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ है अ फेमस राइटर, यानी कि एक प्रख्यात लेखक। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का अर्थ है विद बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तर के साथ। नेक्स्ट है बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का मीनिंग है एनी हाउ, किसी भी तरह से। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, इट मीन्स टू ब्रेक द साइलेंस, यानी कि चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले इजी वर्क, यानी कि बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल तो इजी होता है, तो इसकी ये सिंपल सा है कि इजी वर्क है। नेक्स्ट है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मीन्स हेयर एंड देयर, यानी कि इधर उधर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।